नमस्कार गुड मॉर्निंग सतेज सकाल एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुच्छी स्वप्ना समस्त सतेज भरा नमस्कार मुझ कमलाकांत प्रतिदिन भाई आज भी आम आलोचना करा विभिन्न खबरकगजे कौन सब प्रमुख खबर रही आम रिपोर्टर मैंने जोड़ी हे अधिक आलोचना करने जब देखा आम आज जो प्रसंग आलोचना करवा झटका देले सुप्रीमकोर्ट ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन आईन उपर रोक लगला तो ए संपर्क में आम आगे आलोचना करवा से अस्तित्व हराई प्रधानमंत्री सड़क भारी जाना मात्राधिक लघु खनिज परिवहन बंद दाबी रे धारणा एक खबर खोर्धार आसुची से देखा आसंता 25 वर्ष लगी लक्ष्य धार्य कर बीजेपी पदाधिकारी प्रधानमंत्री ए मंत्र रही से संपर्क आलोचना भाव कमलाकांत परवर्ती जहाँ खबर आम आलोचना करने आग को डिजिटल शिक्षा एमती स्कूल पिला इंटरनेट स्वप्न 97% इंटरनेट 84% स्कूल रे कंप्यूटर नहीं एभली किसी खबर सामना को आसुच्छी एवं मिलूनी आवास योजना रे कार्यदास पट्टा मुंडाई एभली किसी खबर सामना को आसुच्छी एवं अस्तित्व हराउची प्रधानमंत्री सड़क भारी जान रे मात्राधिक लघु खनिज परिवहन बंद दाबी रे धारणा मध्य देइछंती खोर्धा जिलावासी तबे स्वप्ना प्रथम खबर जहाँ रही विश्वविद्यालय संशोधित आईन उपरे रोक लगी राज्य सरकार को सुप्रीम झटका लगी 4 सप्ताह जवाबी सत्यपाठ दाखल करेंगे जी तो यह संपर्क में अधिक आलोचना करने आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल रही गगन जब देखा सुप्रीमकोर्ट राय पर राज्य सरकार को झटका लगी जदि देखा तेज 4 सप्ताह भितर जवाबी सत्यपाठ दाखल करने कई जो राज्य सरकार पारित करते विधानसभा या कौन कौटी विरोध देखा जाता से जेएनयू रो पूर्वतन प्रोफेसर कथा कहतु उत्कल विश्वविद्यालय प्रोफेसर कथा कहतु समस्ते ये जो अमेंडमेंट आनते सरकार कौन कौटी हस्तक्षेप करते विरोधाभास करते या प्रथम से हाइकोर्ट द्वारा होते देखिए अनेक गुड़े जो भाव कल आम विस्तृत भाव उकल सहित आलोचना करूँ या खबर परेषण करडर सुप्रीम कोर्ट को अर्डर आसी अनेक गुड़े चेंजेस आनी राज्य सरकार जमती कि आप कुलपति जो यूनिवर्सिटी मानक जो वाइस चांसलर निजुक्ति प्रक्रिया रही से चेंजेस आनी निजुक्ति प्रक्रिया को कौन ना कौन यूपीएससी अंडर को नहीं थे जमीक लेक्चर पोस्टिंग होती पोस्टिंग होती अनेक पिला अलरेडी अभियोग आने तेणु विश्वविद्यालय जी वाइस चांसलर को पोस्टिंग ओपीएससी कर आईएएस अफिसर मैंने जी निजुक्ति प्रक्रिया सामिल हे तेणु कौन कौन अंगल निर्देश करते या सहित सिनेट उच्छेद कथा कहतु सिंडिकेट रे जो प्रशासनिक हस्तक्षेप कथा कहतु अनेक गुड़े जो आईन रही विश्वविद्यालय आईन रे संशोधन करते राज्य सरकार कि कौन ना कौन अनेक जो पूर्वतन प्रोफेसर रही कौन ना कौन या हस्तक्षेप करते देखिए 2018 जो आक्ट रही यूजीसी आक्ट ताको सीधा सड़क उल्लंघन कर गत काल आईनजीवी मैंने मत रखुते तो निश्चित भाव ये पूर्वतन प्रोफेसर मान दुई भिन्न भिन्न एसएलपी दायर कराइला कि गोटे करोर्ट गत काली शुणी करते राज्य सरकार काले किसी एकपाखिया निष्पत्ति नेबे ऑर्डर पास राज्य सरकार कैबिनेट देते जहाँ एजी शुणी प्रक्रिया सामिल होते पक्ष रखी थे कि कौट ना कौट मानवर कोर्ट राज्य सरकार को तागिद कर क्लारिफिकेशन काउंटर आफिडेविट देवाई कहुई जोटा कि गोटे मस भरे रखे यापर जो हियरिंग डेट रही निश्चित भाव दुई मस हियरिंग हम कि बर्तमान जो तीन मस पर्यंत या पर गोटे स्टे लगी कौन ना कौट जो मैंने पिटिशनर थे आशा बढ़ी हूं तो आम कथ को मान्यवर कोर्ट ग्रहण कर गोटे स्टे आईनजीवी गत काली मत रखी स्टे को वृद्धि करने निश्चित भाव आम आगामी शुणी से आमे दाबी करू तेज नेक्स्ट हियरिंग के कौन से दावी कर नजर कि कौन ना कौट राज्य सरकार जो चंचकता थी गोटे बर्तमान ब्रेक लगी कमलाकांत निहाती बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रही है आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि अधिक आलोचना करते कि भाव में विश्वविद्यालय संशोधित आईन उपर रोक लगी निहाती भाव कमलाकांत परवर्ती खबर जहाँ राजधानी भुवनेश्वर रही इंटरनेट सेवा पाईपार ना पिले और इंटरनेट सेवा स्वप्न पलटि डिजिटाल शिक्षा एमती एभली किसी खबर राजधानी भुवनेश्वर आसी डिजिटल और अनलाइन शिक्षार जुग घर स्कूल गुड़िकर स्मार्ट क्लासरूम एलईडी और मल्टीमीडिया शिक्षादान होती आम सरकारी स्कूल जोठी से पिलामाने इंटरनेट सेवा पाईपारू ना एभली किसी खबर सामना को आसपर्कित अधिक सूचना देवे भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती आम सहित लाइव जोड़ी होती
स्वप्नांजलि जदि कहिबा कोरोना कालठु डिजिटल सेवा आरंभ होईची किबळी पिला माने ऑनलाइन रे पाठ पढ़ी परिबे पाठ पढ़ार लाभ पाई परिबे सरकार ऑनलाइन पाठ पढ़ा आरंभ करथिले किंतु स्मार्ट स्कूल तो दूरर कथा इंटरनेट सेवा मध्य पिलांको पाई स्वप्न पाल्टीची देखते स्वप्ना निश्चित भाव में कहीपर जेहेतु दुई दुईटी शिक्षा वर्ष नष्ट दुई दुईटी शिक्षा वर्ष जेहेतु कोरोनार पीरियड थिला एवं कोरोना टॉप रे जितेबेले आसीथिला सेतेबेले समस्त पिला मानको कहैथिला एवं विद्यालय एवं कॉलेज गुडी को मध्य ऑनलाइन क्लास रो व्यवस्था होता अर्थात पिला माने स्कूल न जाई कोभली भाव में ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम रे पिला को पाठ पढ़ा जिवो से नै गुरुत्वारोप करथिला गणशिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार किंतु परवर्ती समय रे जितेबेले आपण जानिछन्ते 5G स्कूल रो रूपांतरित होला सेतेबेले किछि स्कूल गुडी को वर्तमान पर्यंत 5G स्कूल हिसाब रे रूपांतरित होइछि स्मार्ट स्कूल सब सुविधा रही अर्थात डिजिटली पिला माने पढ़ी पारियापाई तांकर स्मार्ट बोर्ड रही विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग रही किंतु अनेक आपण जानिछन्ते भुवनेश्वर केवल स्मार्ट स्कूल ना अनेक स्कूल रही जोगुड़ा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल गुड़िक रही अनेक समय आम खबर प्रसारण करोटी पिला मुंड स्कूल गुड़िकर छात ना पा पीवाई सुविधा ना शौचालय सठिक भाव में ना आप जहाँ रिपोर्ट देखुं कोटि ना कोटि पिला मानकर जो स्कूल छाड़ा सरकारी स्कूल छाड़ संख्या वर्तमान प्रतिशत दिनक दिन वृद्धि पाउची ये गोटे नजर ये गोटे कारण स्वप्ना हो पारे जे पिला मानकर कोटि ना कोटि मनोभाव टिके ठेस पहुँची कहीं पिला माने देखुं घर स्कूल गुड़िक जो भाई भाव में सुविधा नि जो भाई भाव पिला मानक केयार नि से भाव में सरकारी स्कूल से सब सुविधा उपलब्ध हो पारे जदिव आम कहीपर ना सब स्कूल ये असुविधा रही कि पखापाखि प्रतिशत जो रही कोटि ना कोटि अधिक रही जो पिला असुविधा रोचे शौचालय कथा कहतु पानी पाइप कथा कहतु विद्युत बड़ प्रसंग कहीं एवं देखुं खरा छुट्टी कम जेहेतु रही तेणु पिला पाठपढ़ा एक्सटेंड हो पाने जून 6 पर्यंत वर्तमान विद्यालय को जी और पाठ पढ़े कितु बड़ प्रसंग हूँ जे विभिन्न स्कूल गुड़िक आम जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जाकि देखा ग्राउंड जीरो तथ्य देखा से एक आसूसी कौटी बिजुली अभाव अच्छी तो कौटी फैन ना कौटी शत प्रतिशत भित्तिमि अभाव रही तेणु ये राज्य सरकार और गणशिक्षा विभाग प्रति कौटि ना कौटि गोटे प्रश्नवाची सृष्टि कर सरकारी पिला सरकारी स्कूल में पाठ पढ़ुता पिलांर एवं जो मनोभाव रोचे जे घर स्कूल को बदली जावा घर स्कूल जा पाठ पढ़ा ये हूँ गोटे कारण एवं द्वितीय कारण हूँ जो स्कूल को टंका आसूसी लक्षाधिक टंका खर्च होगापी कोभली भाव स्कूल भित्तिमि सठिक हो पार स्कूल जो सब असुविधा रही प्राथमिक स्कूल ठार आरंभ कर प्रथम श्रेणीर पिला आरंभ कर दशम श्रेणी पिला कथा पर्यंत सबू पिला केमी सामान सुविधा सुजोग दिजाव कोभली भाव सठिक और शिक्षक निजुक्ति आप जानते गोटे बड़ प्रसंग और द्वितीय कथा हूँ बर्तमान राज्य में बड़ प्रसंग हूँ शिक्षा विभाग में ड्रप आउट स्वप्नांजलि जदि कह स्मार्ट क्लासरूम स्मार्ट स्कूल सबू कथा सामना को आसुची किंतु सरकारी स्कूल आगुरु जोटी थिला वर्तमान मध्ये सेठी अच्छी केवल जदि कहिबा ऑनलाइन पाठ पढ़ा कथा नुह इंटरनेट कथा नुह पीबा पानी खाद्य शौचालय सबू उपरे राज्य सरकार कोटि ना कोटि फेल मारछंती आउ तापर भी आउ गोटे कथा राज्य सरकार स्कूल रो भित्तिभूमि विकास पाई कोटि कोटि टंका खर्च करछंती किंतु से सबू पैसा कुआडे जाउची काहेकि सेमानक विकास रे कार्य आसुनी ताहा बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करूची भाव स्वप्ना देखु पूर्वर मध्य आप जानते जितेबाला 5G स्कूल रूपातरित है से पाला जो स्कूल गुड़िकर उपस्थान संख्या कम थी आप जानती से स्कूल गुड़ को मर्ज कर दिगला अर्थात गोटे स्कूल ही पिलाने पाठ पढ़े अथवा 5 किलोमीटर भितर स्कूल गुड़ केवल अनुमति दि जाऊला पिलाने जापरेंगे कहीं स्कूल जेहेतु दूर न हो जाऊ छोट पाने दूर बाट को न जातु अधिक कष्ट न करतु केवल राजधानी भुवनेश्वर नुह पश्चिम ओडिशा कथा कहतु उपकूल ओडिशा अभ्यंत सबुठी विभिन्न जोन मध्ये खबर आम देखु जे कौटी ना कौटि पिलामानकर पहाड़ चढ़ा रास्ता अच्छी कौटी विद्युत सेवा ना इंटरनेट सुविधा ना तेणु पिलामानक पाखरे जदि सरकारी सुविधा शत प्रतिशत भाव में पिलामाने उपयुक्त भाव में न पाई पारंती तेणु कौटि ना कौटि सरकारी स्कूल गुड़िक प्रति जो विमुखी मनोभाव हम पिलामानकर एवं घर स्कूल को अधिक टंका खर्च कर पिलामाने पाठ पढ़िबे किंतु द्वितीय कथा हूँ जो गरीब श्रेणीर पिलामाने अच्छा मध्यम वर्गर पिलामाने अच्छा
जो मध्यम वर्गर परिवार अच्छा से माने तो कम से कम पिला घर स्कूल पाठ पढ़ाई पारे ना तेणु सरकारी स्कूल ही प्राथमिकता देवे तेणु राज्य सरकार और गणशिक्षा विभाग ये हूँ बड़ दायित्व ये हूँ बड़ कर्तव्य जे पिला खुद राजधानी भुवनेश्वर सरकारी विद्यालय अवहेला सामना को स्मार्ट क्लासरूम तो दूर दूर कथा इंटरनेट सेवा मध्य छात्र छात्री स्वप्न पलटि और ए शिक्षा विभाग और राज्य सरकार दृष्टि देवा जरूरी हो पड़ी। धन्यवाद स्वप्नांजलि आप समस्त अपडेट पर। तबे स्वप्न परवर्त खबर पट्टामुंडी रही कि भाव में समस्त मुंडे में पक्का घर एक कहुची किंतु वर्तमान जो खबर प्रकाश पाई मिलूनी आवास योजन कार्यादेश आप फटो देखिपे से होती 69 वर्षीय बाबाजी तर 10 वर्ष एवं 12 वर्षर दुईज नाती नाती अच्छा विधवा बहु रही कारण 10 वर्ष तलु रक्त कर्कट में एकमात्र रोजगारक्षम पुअर अकाल वियोग होता किंतु देखु कि भाव में भी आवास योजन घर टे मिल पार नहीं। प्रभात लेंका आम केन्द्रापड़ा प्रतिनिधि जोड़ सारी आम सहित अधिक अपडेट सहित प्रभात जब देखा जदि योक मैंने आवास योजन घर पाइबे तबे घर कहाँपाई एवं सुविधा कौन पाई जदि जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी शुणुए निहाती भाव में ये जो वृद्ध रही सहायता हाथ बढ़ावा निहाती दरकार। परितापर विषय पलटुच्छे जदि कह तीनोटी क्राइटेरिया से व्यक्ति जनक आवश्यकता रही प्रथम जो कह बाबाजी खिलार जड़े एससी कैटेगोरी लोक रही दलित परिवार लोक परे से जड़े वृद्ध अच्छा अन्य प्रकार कह 10 वर्ष धरी जो 10 वर्ष पुओ रक्त कर्कट रोग में मृत्युवरण कर विधवा बहू को आवास गृह जोगाइ देवार आवश्यकता रही है सरकारी गाइडलाइन कहे तेज तीनोटी स्कीम्रे से पाइबार हकदार रही कारण ये जो स्थिति देखा मिली पट्टामुंडे अंचल ओपदा पंचायत जो रही कजलबंद गाँ से गाँव जो असहाय परिवार अच्छा दुईट कुनि कुनि पिला वृद्ध जनक किभ प्रतिपोषण होती गोटे प्रसंग रोचे जहाँ को नहीं गोटे परितापर विषय और निंदन परिस्थिति सृष्टि कर पट्टामुंडे अंचल तेज आवास गृह जो सरकार कहते समस्त मुंड गरीब लोक तेज ये तो पूरा गरीब आहरी गरीब तरल को रही कि बाबाजी खिलार जी अच्छा तेज कौन पर मिलूनी ये पीसी कारबार करोटी पट्टामुंडे अंचल रही राजनगर निर्वाचन मंडली रही सब समय आवास केलंकारी आसी था कमलाकांत जहाँ को नहीं असंतोष देखा दे था म्युनिसिपालिटी टू आरंभ करी पंचायत सब जगार से हीपरि स्थिति देखा मिलूँ सेठिकार जे विधायक अच्छा बीडीओ अच्छा बर्तमान केन्द्रापड़ा जिलापाल अमृत ऋतुराज घटना प्रति निश्चित भाव तत्परता प्रकाश कर आवश्यकता रही कारण आवास बंटन में गरीब लोकटी को दि जाऊन कारण ये मोटामोटी कहवा पूरा पीसी कारबार हो जी टा दे बोटा जदि कह लक्ष 70 हजार टाँग गोटे आवास मिलूँ तेज सी जब 20 हजार 30 हजार टाँग नदे पार्टी तार कार्यादेश सी उचित पदक्षेप नि सी जदि कह पूरा हिताधिकारी कार्यादेश पाइबार जो आवश्यकता रही से विड़म्बनार विषय पलटुच्छे जहाँ को नहीं असंतोष वृद्धि पाँच केन्द्रापड़ा जिले में आवास केलंकारी रूप नहीं कमलाकांत निहाती भाव में जब देखा कौन पर यह अभोग आसूँ कारण जमी आप पीसी कारबार अभोग तो बारंबार आसूँ कितु जितेबले हिताधिकारी योजना प्रस्तुत करूँ खबर प्रसारण पर भी जदि जिला प्रशासन एथप्रति ध्यान देनी तो लगुच मनरे डर ना जेहेतु शासक दल सहित लिंक रोचे ये अभोग आसू तो कहार मनरे डर रोनी जे जदि आंकर शासक दल सहित लिंक ना कौन नेता मंत्री हाथ ना तेज जदि आवास न देचे तेबी भी विरोधर सम्मुखीन होगापी पड़बनी निश्चित भाव में देखु जो बाबाजी खिलार जी अच्छा से वृद्ध ताकू 60 रु 70 वर्ष छुईब विधवा बहुमत पुत्रवधू जी अच्छा ये किभली भाव चली प्रशासन स्तर में किभली भाव चली जांच प्रक्रिया जे उचित हिताधिकारी जे योग्य हिताधिकारी बाबाजी खिलार ताकू दि जाऊनी सी बारंबार जो स्थानीय विधायक को बारंबार अवगत कराऊंट बीडीओ पाखक जाऊँच सरपंच को कहते जिलापाल बारंबार अभियोग पत्र दौंती कौन पर मिलूनी ये पूरा स्पष्ट प्रमाण आसूँ कि पीसी कारबार कराऊँच हाथ गुंजा नदे कौन कार्य केन्द्रापड़ा जिले में पट्टामुंडे अंचल हो जहाँपाई गोटे असंतोष वृद्धि पाँच कमलाकांत निहाती बहुत बहुत धन्यवाद केन्द्रापड़ प्रभात लेंका रही मो प्रतिनिधि जमी कहते बिना पीसी कारबार कौन काम होनी केन्द्रापड़ बड़ संगीन अभियोग तेज आग को आउ किसी खबर रही आलोचना करवा कि समय गोटे छोट ब्रेक र
ब्रेक परे स्वागत जहां परवर्ती खबर खोर्धारु रही अस्तित्व हराउछि प्रधानमंत्री सड़क योजना रे जो सड़क तयारी होईछि भारी जानरे मात्राधिक लघु खनिज परिवहन बंद दाबी रे धारणा दिया जाइछि। डंगरपड़ाठारु 16 नंबर जातीय राजपथर मळीपड़ा पर्यंत ग्राम्य उन्नयन विभाग द्वारा करा जाइथिबा प्रधानमंत्री सड़क अवस्था शोचनीय होई अस्तित्व हराइछि। रास्ता उपर पिचू और कंक्रीट गुड़िक नष्ट होइगलाणी। केतक स्थान रे नाली मोरम पड़ी जहां माटी रास्तार भ्रम सृष्टि करुछि। रास्ता सारा खाल खमा भर्ती होइछि। रास्ता मरामती और बेआईन भाव यातायात करुथिबा भारीजन चलाचल बंद दाबी रे बीजेपी राज्य मुखपात्र सोनाली साहू को नेतृत्व में स्थानीय बासिंदा शुक्रवार से ही रास्ता रे शांतिपूर्ण धारणा मध्ये देथिले। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे खोर्धार प्रतिनिधि संग्राम होता आम सहित लाइव जोड़ संग्राम जो अस्तित्व हराउछि प्रधानमंत्री सड़क से सड़क रु पिचु बाहरी गलानी एवं मोरम पका जाई ताकु सजड़ा जाउछि किंतु भारी जन जिबा फलरे रास्तार अवस्था अत्यधिक शोचनीय होईछि। एने बीजेपी मध्ये स्थानीय बासिंदा सहित धारणा रे बसतले एवं प्रतिश्रुति परे धारणा रु मध्ये हटि जाइछंती किंतु केबे निर्माण हबो रास्ता ताहा सबुठ बड़ प्रश्न सृष्टि करिछि। निश्चित स्वप्न देखु प्रधानमंत्री सड़क योजना रही है जो आम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी समय आरंभ होता है प्रधानमंत्री सड़क योजना। यार लक्ष्य रही है ग्राम को ग्राम को संपर्क सेतु निर्माण करवा ग्राम को ग्राम किभली भाव जोगाजोग हो पार सुसंपर्क स्थापन हो पार विकास हो पार ये लक्ष्य नहीं कि प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी समय यही प्रधानमंत्री सड़क योजना आरंभ कर खाली आम राज्य कौन समग्र देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना वर्तमान सुधा भी योजना कार्यकारी कर अनुसार ग्राम को ग्राम को संजोग करने रास्ता निर्माण करोटे तो पटे देखा जो खोर्धार चित्र रही डंगरपड़ा ठू मईपड़ा जो जातीय राजपथ सोर रास्ता रही प्रधानमंत्री सड़क योजना निर्माण कराइला मुख्यतः तो प्रसंग रही रक्षणाबेक्षण कराऊ जो उद्देश्य प्रधानमंत्री आरंभ करते जो प्रधानमंत्री सड़क योजना ये योजन कि ग्राम को ग्राम को संजोग करहब संपर्क सेतु भाव कार्यकारी कर जो लक्ष्य निर्माण कर राज्य सरकार रक्षणाबेक्षण विफल होती कारण जो उद्देश्य प्रधानमंत्री सड़क योजना निर्माण कर ग्राम को ग्राम को संजोग करवा ग्राम को ग्राम संपर्क सेतु भाव निर्माण करवा जहाँ रक्षणाबेक्षण दायित्व रही विभाग जंत्री कथा कहतु विभाग अधिकारी मान क्या कहतु यह रक्षणाबेक्षण निहाती आवश्यक नचे ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना अनेक स्थान अस्तित्व हर बसला मुख्यतः प्रसंग कथा कह आम देश को छाड़ू जो विदेश कथा देखा आमेरिका जर्मानी जापान कथा देखु आर्थिक स्थिति स्वच्छल बोली रास्ता गुड़िक चिकन चकाचक ना रास्ता चकाचक हो कारण से देशर विकास है रास्ता चकाचक पर देश गुड़िकर विकास होती राज्य रास्ता सठिक भाव विकास हो पार निश्चित ए राज्य विकास हो पार राज्य विकास रास्तार प्रमुख भूमिका रही प्रधानमंत्री सड़क योजना जितने अटल बिहारी वाजपेयी समय आरंभ कर मूल लक्ष्य रही है ग्राम को ग्राम को संजोग करने और संपर्क सतु निर्माण करवा कि भाव विकास धारा को आगे नेब ग्रामांचल सरकारी स्तर से यह लक्ष्य नहीं बना जाता कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जो रक्षणाबेक्षण कथा कहतु कि भाव तो रक्षणाबेक्षण कर रक्षणाबेक्षण कर संपर्क सेतु पुनः जोड़ी पार सूचना देते प्रधानमंत्री सड़क योजना कोटी कोटी टंकार व्यय अटकल कर जदि कह विभाग अधिकारी और ठिकादार मधु चंद्रिकार निम्नमान रास्ता निर्माण होफल कि दिन पर ही रास्तु पिचु उठू रास्तार अवस्था शोचनीय हो पड़ी और दृष्टि देवार जरूरी हो पड़ी यदि कह धन्यवाद संग्राम आपण समस्त अपडेट पाई। नीति स्वप्न परवर्ती खबर रही गत काली जो भाव में प्रधानमंत्री बीजेपी पदाधिकारी को मोदी मंत्र देते देश अमृत महोत्सव अमृत काल में देश आगामी 25 वर्ष लगी लक्ष्य स्थिर करुच्ची एभली स्थिति में बीजेपी आसंता 25 वर्षर टार्गेट स्थिर करू। राजस्थान राजधानी जयपुर अनुष्ठित बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री बीजेपी पदाधिकारी एभली मंत्र ए संपर्क अधिक आलोचना पाई आम दिल्ली प्रतिनिधि पुनः जोड़ गगन विश्वास गगन जे देखा प्रधानमंत्री स्पष्ट करते अमृत महोत्सव जो भाव में देश पालुची से भाव में बीजेपी आगामी 25 वर्ष पर लक्ष्य व टार्गेट स्थिर करी चालू बोली प्रधानमंत्री मंत्र देते देख निश्चित भाव प्रधानमंत्री जो कथा गत काली उल्लेख कले देखिए ये कथा पूर्व अनेक समय से उल्लेख कर बाहर
ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେନମାର୍କ ଗସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଉଛି, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫରେନର ଯୋଉମାନେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତକାଲି ନିଜ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ୱାର୍କର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ଅଳସ୍ୱାମୀ ନ କରି ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଲିସି ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷକୁ ଆଖ୍ୟାଗର ରଖିକି ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ କାମ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 8 ବର୍ଷ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସରକାରରେ କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସ୍କିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉଜ୍ଜଳା ସ୍କିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାର କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ବିଜେପିର ଇ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟେ ତେର୍ଛା ବାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାରିଥିଲେ, ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ରହୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ରହୁଥିଲା, ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଏବଂ ତାର କଣ ଫାଇଦା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡିବ। ତେଣୁ ଲୋକ କୋଉଟା କୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ ବଢିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2014 ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ବଢିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିଜୟ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆହୁରି ବହୁତ 3-4 ମାସ କି 5 ମାସ ରହିଲାଣି। ଗୁଜରାଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଜରାଟ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5 ମାସ 7 ମାସ ବା ବର୍ଷେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଧାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କାମ କରୁଛି, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ସେମିତି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦବଦବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ବିଜୟ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଫୋକସ କରିନଥିଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଥିଲା ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଧାରାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା, ତେଣୁ ବିଜୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବିଜୟ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ। ଏଇ ଗଗନ ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ବିକାଶକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ଫିକ୍ସ କରାଯାଉ, ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ରହିଥିଲେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।